अस्सलाम वालेकुम जी दिस दिस इज साद शाहिद एंड इन वीडियो वी आर गोइंग टू टू कवर कंटेंट रिलेटेड अल्कोहल्स अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या है अल्कोहल का स्ट्रक्चर किस तरह से है व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से डेविएट कर सकती हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी सेकेंडरी टू टर्शरी इट मींस वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एज वेल अलोंग विद द अफेक्ट

ंग विस्ट हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए उसकी जगह पर कोई पॉजिटिव रिएजेंट अटैच हो जाए सो दर टाइप ऑफ सब्सिट्यूशन तमाम रिएक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन we'll रिएक्शन जो कि एक सीरीज के साथ मूव कर रहा है एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन गिव यूल कार्बोजिक एसिड सो विल डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए साथ जुड़े रहिएगा एंड लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड टू कवर दीज कॉन्टेंट्स दिस इज साथ चाहित एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्कोहल तो बेटा अल्कोहल्स में से वी हैव टू डिस्कस द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल इनकी क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे विल डिस्कस द रिएक्टिविटी ट्रेंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स

फ्राम दैट आई यू बी एस ई नेम हम तमाम सीरीज को इसको जनरेट करते हैं मैथनॉल एथनॉल प्रोपेल ब्यूटेनोल पेंटेनॉल है ऑप्टेनॉल नॉनॉल एंड डेकनॉल सो एल्कनॉल से तमाम ड्राइव किए जाते हैं ठीक है वी हैव डिफरेंट टाइप्स कुछ होते हैं हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल्स वी हैव सेकेंडरी एल्कोहल्स वी हैव टर्शरी एल्कोहल्स जिसको हम कहते हैं वन ओल टू ओल्स थ्री ओल्स अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा अगर एल्कनॉल को ही मैं यूज करूँ या एल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स वी हैव सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड वी हैव टर्शरी एल्कोहल्स तो ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास क्लासीफिकेशन अगर हम एल्कोहल्स की करते हैं वन ओल्स के लिए रिमेंबर दिस पॉइंट के ओ ग्रुप इज अटैच विद्बन एल्फा कार्बन होता है दैट वन इज एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन कैन फर्दर अटैच विद ओनली वन कार्बन एटम ठीक है सो so, फर्दर अगर एक ही बॉन्ड होता है दैट इज प्राइमरी एल्कोहल जिसको हम वन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ आई हैवे That is attached with the carbon. This carbon is called as alpha carbon. Theke? So alpha carbon is further attached with one carbon. This carbon is beta carbon or uski agi gamma carbon. But we are only concerned with the alpha carbon. If alpha carbon is attached with only one carbon, so that type of alcohol is called as primary alcohol. Remember this point baki kuch bhi attached hai you have to complete that valency. Uh, on this side. on this side we have to attach something. Na? Bita, this carbon should have only one carbon bond further. Hai. alpha carbon is yada bond. Agar hoega, so wo primary ho sakta. Hai. so this formation is for the primary alcohol. Hai. doesn't matter. कि सेकेंड कार्बन पे कितने कार्बन फर्दर अटैच है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सी एच थ्री ओवर हेयर सी एच थ्री ओवर हेयर सी एच थ्री ऑन दिस सी एच थ्री ऑन दिस साइड इफ एग्जामिनर विल आस्क वट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस तो बेटा वी हैव टू है इट इज प्राइमरी एल्कोहल रीजन के वी जस्ट हैव टू लुक ओवर द फर्स्ट कार्बन दैट इज एल्फा कार्बन ओ एच इट

ठीक है उसके आगे डेल्टा आ जाएंगे एंड सो ऑन बट वी ओनली विद द अल्फा वन ठीक है सो नाउ आई एम चेंजिंग दिस मॉलिक्यूल इन दिस द कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होता है सो so, बेटा इट इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन ठीक है अभी तो ये कार्बन के साथ है इफ आई विल कन्वर्ट दिस हाइड्रोजन विद सी एच थ्री तो यहां पे भी, भी मैंने अब कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया सो नाउ दिस कार्बन इज अदर कार्बन दिस वन एंड दिस वन ठीक है नाउ यू कैन सी टू बॉन्ड्स ऐसा मोलिक्यूल कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है अल्कोहल में क्या होएगा? आई थिंक आइडिया हो गया होगा अल्कोहल के लिए क्या होएगा जी OH is इज अटैच विद alpha कार्बन दैट इज फर्दर अटैच with

जस्ट कार्बन कार्बन फर्स्ट बॉन्ड आपने ऑब्जर्व करना है सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इन टू टर्शरी एल्कोहल सो एक तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ठीक है अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया नाउ रिमेंबर नंबर ऑफ कार्बन जो जो इंक्रीज करते रहते हैं उतना ही सॉल्यूबिलिटी में डिक्रीमेंट आता है

ये भी मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं ठीक है लेकिन रिमेंबर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स तो बेटा प्राइमरी एल्कोहल में अगर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है दैट वुड हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द ब्रांच चेन मॉलिक्यूल अगर एक ब्रांच आ गई So, उसका बॉइलिंग पॉइंट रेलिटिवली कम है इफ़ वी हैव टू ब्रांचेस, तो बेटा उसका बॉयलिंग पॉइंट उससे भी कम होएगा, ठीक है सो so, uh, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के अलावा एक क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं बेटा दैट इज वन ओल अभी जितने भी हमने पढ़े दीज आर कॉल्ड वन ओल फिर आते हैं डाई ओल्स न वी हैव ट्राई ओल्स ठीक है देर इज एनदर क्लासिफिकेशन सीरीज फॉर एल्कोहल्स अभी अगर मैं एल्कोहल्स को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ओल्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इन सिंगल ओल्स सिंपल ओल्स कह रहा हूं वन ओल्स वी हैव डाई ओल्स वी हैव ट्राईओल्स सिंपल ओल्स है डायओल है और ट्राईओल्स हैं नाम से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा डाय मीनस टू ठीक है मोनो ओल्स मोनो मीन वन वन मैंने यहां पर लिख दिया मोनो ओल्स डायओल्स मीन इन विच वी विल हैव टू ओ एज ग्रुप्स व थ्री ओ एज ग्रुप दैट इज कॉल्ड ट्राई ओल्स ठीक है अब बेटा यहीं से कुछ नेमिंग को अंडरस्टेंड करते हैं दिस इज सिंपल प्रोपर नॉल ठीक है दिस इज प्रोपर नॉल ओ एज बेटा कंसिडर की यह तमाम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट है ठीक है

ठीक है बाकी इसके तमाम बॉन्ड्स कंप्लीट हैं कंसीडर दैट दैट इज सी एच टू दैट इज सी एच दैट इज सी एच टू तो बेटा वन ओल्स डाई ओल्स और ट्राई ओल्स के लिए नेमिंग को भी जरा याद रख ले कॉमन नेम्स डाई ओल के लिए जब एडजस्टिंग कार्बन पे वी विल हैव हैच एंड ओ एच तो बेटा दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल्स अगर तीनों ओ एच OH है तो दैट इज नोन एज ग्लिस्टरोल ठीक है कॉमन नेम्स बता रहा हूं ग्लिसरॉल दैट इज ग्लाइकोल एंड दैट इज एल्कोहल जो भी सिंपल एल्कोहल होएगा आपके पास यहां पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा जितने ओ एच ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे ओ एच ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी जितने ओ एच ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी रिमेंबर दिस पॉइंट सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन दॉटर तो ओ एच बढ़ता जा रहा है सोल्यूबिलिटी बढ़ती जा रही है सो इफ यू आर हैविंग थ्री मॉलिक्यूल्स प्रोपर नॉल और अगर आपको कहा जाए प्रोपेन डाई ऑल एंड यू हैव प्रोपेन ट्राई ऑल विच वन इज मॉर सोल्यूबल तो बेटा जिसके पास ओएच OH ज्यादा है प्रोपेन इंट्राइ जो होगा दैट इज मॉर सोल्यूबल ड्यू टू द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है एक तो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको रिलेट करवाए सेकेंड थिंग जिसके पास ओ OH एच बढ़ता जा रहा है एक चीज याद रखनी है इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर वेट इफ यू आर हैविंग प्रोपर नोल वन टू थ्री ज ओ एज ये प्रॉपरनोल है प्रोपरॉल का मोलिकुलर मैस होता है दैट इज अराउंड सिक्सटी ठीक है और अगर मैं यहीं पे यूज करूं दैट इज ओ एज दैट इज ओ एज दिस इज डाईल तो बेटा इसका भी जो मॉलिकुलर मैस होता है दैट इज अराउंड सिक्सटी 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 टू के आसपास इनका मोलिकुलर वेट होता है दोनों मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट तो सेम है बट इन द सेकेंड ऑप्शन वी आर हैविंग मोर ओ एच ग्रुप्स बेटा ओ एच ग्रुप्स अगर ज्यादा हैं और मोलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है सो बेटा जिसके पास ओ एच ग्रुप्स ज्यादा हैं दैट मॉलिक्यूल विल हैव मोर बॉयलिंग पॉइंट इसी वजह से ये जो प्रॉपर नॉल है इट्स बॉयलिंग पॉइंट इज अराउंड नाइंटी सेवन डिग्री सेल्सियस Or this one, diol, ethane diol, that is having around 197 degree Celsius. So boiling point made there is a huge difference. Although both molecules are having same molecular mass. Approximately equal hota hai. That is CH3, CH2, CH2, and OH. बट इन दिस केस वी आर हैविंग टू ओ एच सो ओ एच अगर बढ़ता जा रहा है एंड दे आर हैविंग सेम अप्रोक्सीमेट मॉलिकुलर मैसेज तो बेटा उस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होएगा जिसके पास ओ OH एच ज्यादा है दैट इज योर सेकेंड की पॉइंट ठीक हो गया

बेटा so, उसका बॉइलिंग पॉइंट रेलेटिवली ज्यादा होएगा। इफ यू आर हैविंग टू मिथाइल ब्यूटो दैट इज ऑल्सो हैविंग द सेम मॉलिकुलर मैस लेकिन ब्रांच में कन्वर्ट होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है तो यहां पे की पॉइंट जो हम थर्ड अपना मेंशन करेंगे दैट इज थर्ड की पॉइंट क्या होएगा स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ब्रांच चेन और ये हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं अभी ठीक है ऑल दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम ट्रेंड फॉर द तो एलके के लिए भी सेम ट्रेंड ऑब्जर्व किया एल्कोहल्स के लिए भी सेम ट्रेंड ऑब्जर्व करें इट मींस दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल कि जितना स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होएगा इफ वी आर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में बेटा अगर ब्रांचेस ज्यादा हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि विच वन इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट किसके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा जिसकी स्ट्रेट चेन ज्यादा होएगी जिसकी ब्रांचेस कम होएंगी सो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स सो दैट इज योर थर्ड की कॉन्सेप्ट होप सो ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझ आके होगा सॉल्यूबिलिटी का आपको पॉइंट बताया वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब बॉयलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करती जाएगी जैसे ही ओ एच ग्रुप्स इंक्रीज करते जाएंगे और अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हैं दैट इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ को इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी दिस इज द जनरल कि प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल में से विच वन इज लीस्ट सॉल्यूबल लीस्ट सॉल्यूबल कौन सा होगा दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन सो बेटा ब्यूटानॉल के नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं अल्कोहल्स so, का रिमेंबर अल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो इट मीन के एल्कीन एल्किदा बॉइलिंग प्वाइंट होता है एल्कोहल्स का ठीक है तो uh, डिफरेंस आपने ये याद रखना है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होएगा अगर तमाम नंबर ऑफ कार्बन्स सेम होएंगे तो बेटा कार्बोजैलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है देन वी विल हैव एल्कोहल मॉलिक्यूल उसके बाद हमारे पास आते हैं कीटॉन्स uh, के मॉलिक्यूल्स और आफ्टर कीटॉन्स वी विल हैव एल्डिहाइड्स एल के बाद आपके पास आएंगे ये एल्कीस के मॉलिक्यूल्स सो ये एक बेसिक फंडामेंटल ट्रेंड चलेगा हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रिपरेशन अब प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है एंड वी आर मोर कंसर्न अबाउट मैथनॉल एंड एथानॉल मैथनॉल इज सी एच थ्री ओ एच ठीक है सो मैथनॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरट तो इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है दिस इज द केमिकल रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और टू एंड इन दिस केस वी हैव टू यूज अ कैटलिस्ट दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस और आपको हीट भी करना पड़ता है फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन सो दैट इट कुट इन टू द मैथनोल और ये आपको प्रोडक्ट क्या दे देगी सी ए थ्री OH that is called as methanol. So uh, how much temperature is required? About 500 degrees Celsius, it could be 450 to 500 degrees Celsius. So I am writing 450 degrees Celsius here. And uh, the reaction is uh, also proceed at the high temperature, approximately 200 atmospheric pressure. So these are the necessary conditions to prepare methanol uh, by using this mixture, carbon monoxide ka or H2O ka mixture use karte we can prepare CH3OH. Second one is ethanol. Ethanol ke liye the process uh, that is very very uh, important process, fermentation process. फर्मेंटेशन होती क्या है एंड दीज आर द कंडीशन विच यू कैन सी ओवर योर स्क्रीन अभी इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ये कंडीशंस आपको क्या सजेस्ट करती हैं कि फर्मेंटेशन में ये कंडीशन को ऑप्टेन करना वाई इट इज नेसेसरी सो एथेनॉल की प्रिपरेशन ये तो पता चल गया वी कैन डू फर्मेंटेशन प्रोसेस वॉट इज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मीन्स द बायो केमिकल प्रोसेस बेटा द फर्स्ट पॉइंट इट इज अयो केमिकल प्रोसेस बायो केमिकल प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टीन एनजाइम्स ऑल दो यू नो दिस डेफिनेशन एमडिकैट की तरफ मूव कर रहे हैं आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा आपने केमिस्ट्री में भी ये टर्म्स पढ़ी होंगी फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए बायोकेमिकल प्रोसेस है इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन uh, हैं कि बेटा इट इज ऑलवेज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंजाइम्स की प्रेजेंस में होएगा सच एज यीस्ट आप ये कह सकते हो बेटा एक्चुअली जो एंजाइम्स होते हैं ना दे आर प्रेजेंट इन यीस्ट यीस्ट में देर आर सेवरल एनजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल दोज प्रेजेंट इन द यीस्ट तो यीस्ट कंटेन्स मैनी एनजाइम्स सो ऑल दोज एनजा आर यूज इन सेवरल स्टेप्स यहाँ पे वी आर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रिपेयर एथनॉल तो एथनॉल को किस किस तरह से बनाया जा सकता है सो स्पेसिफिकली वी हैव टू फोकस ओवर द यस्ट यीस्ट में से वी कैन गेट एनजाइम और एनजाइम इज एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट इन पर्टिकुलर रिएक्शंस और कैटलिस्ट के तौर पे वो एक्ट करता है बायोकेमिकल प्रोसेस में एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड अगर एंजाइम्स नहीं होगे रिएक्शन नहीं हो पाता ठीक है इट मींस के एनजाइम्स की प्रेजेंस का होना जरूरी है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड इन दैट वे बेटा जो भी आपके पास रियजेंट यूज होया होता है दैट विल कन्वर्ट इन टू द एथनोल अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट और वो बाय प्रोडक्ट आपके पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन डाईऑक्साइड भी होता है ठीक है सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कंडीशन के फर्मेंटेशन में दीज आर दसरी कंडीशन नंबर वन इज यू कैन सी के प्रॉपर एरेशन है एयर का पॉ पास होना जरूरी है uh, डायल्यूशन होनी चाहिए इट मीन्स वी हैव टू यूज अ डायल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यूज नहीं करना uh, और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर रेंज विच वी हैव टू मेंटेन फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेंटेशन क्योंकि बेटा सर्टेन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन क्योंकि वर्किंग अगर एनजाइम्स की ही नहीं होएगी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता तो दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स ठीक है ताकि एंजाइम्स की एक्टिविटी एक, एक आ, आ, सही पेस के साथ मूव कर सकती हो बिकॉज एंजाइम्स विल नॉट वर्क अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर और टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड होता है उनके लिए एबसेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव सो यहां पे मैं ये कंप्लीट कर देता हूं एबसेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव प्रजर्वेटिवस क्या होते हैं बेटा जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए बैक्टीरिया से बचाने के लिए जिस तरह हम फूड प्रजर्वेटिव यूज़ कर रहे होते हैं प्रिजर्वेटिव महफूज़ करना प्रिजर्व करना ठीक है जहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर दिया जाता है ठीक है उनकी अप्रोच वहां तक नहीं हो पाती तो यहां पे अगर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अप्रोच ही नहीं होगी सो हाउ कुड वी प्रोसीड फर्मेंटेशन प्रोसेस बेटा क्योंकि एंजाइम्स इट्स जो यीस्ट है ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही है तो अगर यीस्ट नहीं होएगी वी कैन नॉट गेट एंजाइम्स एंजाइम्स नहीं होएंगे रिएक्शन ऑफ फर्मेंटेशन कैसे प्रोसीड होएगा सो इट इज नेसेसरी कि वहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव ना होए ठीक है Uh, यहाँ पे डाल्यूशन की जो बात की है दैट सोल्यूशन प्रॉपर एरेशन ना बहुत uh, ज़्यादा एयर uh, होनी चाहिए ना ही बहुत कम ऑक्सीजन होनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा एयर होएगी इट मींस वी हैव मोर ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो जाती है अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होएगी सो द मॉलिक्यूल विल डी तो आप अपना सर्टीन जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होएगा वी कैन नॉट गेट दैट मॉलिक्यूल बेटा डिफरेंट अप्रोचेस की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन यूज होते हैं और कौन कौन से हमारे पास रॉ मटेरियल्स यहाँ पे यूज होते हैं द वन दिस वन इज मोलासिस मोलासिस जो कि शीरा होता है जूस केन्स के लास्ट में आपके पास ऑबटेन भी होता है मोलेस मोलेसिस की वाटर के साथ जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे भी यूज करने होते हैं वी हैव इनवर्टेस जो कि यीस्ट में से ही आपको मिलता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू टू प्रोडक्ट्स टू बाय प्रोडक्ट्स जो कि आपके पास होंगे सी सिक्स एज ट्वेल्व ओ सिक्स एंड सी सिक्स एज ट्वेल्व ओ सिक्स वन इज ग्लूकोस एंड द सेकेंड वन इज फ्रेक्टोस बोथ आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला सेम है सो इन दिस वे वी कैन से कि दीज आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर सो आइसोमर्स है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस सो आई एम यूजिंग हेयर ग्लूकोस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इंटू दल सो यहाँ पे जो uh, आपको एंजाइम यूज करना होगा दैट इज कॉल्ड एज आईमेस Uh, that is also obtained from the yeast beta it will convert into the ethanol c two h five o plus carbon dioxide co two. So we can balance this equation in this way. So this is balanced equation. We can get ethanol from this process, बाई यूजिंग एनजाइम जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में दिस इज फर्मेंटेशन प्रोसेस मोलासिस से किया सेकेंड स्टार्ट uh, से भी किया जा सकता है मोलासिस uh, क्या था बेटा दैट इज एक्चुअली डाई सेक्राइड ठीक है डाई सेक्ट्राइड्स क्या होते हैं डाई मीन टू सेक्ट्राइड्स मीन शुगर सो जो दो मोनोसेक्ट्राइड जब कंबाइन होते हैं इट विल गिव यू द डायसेकट्राइड डाए सेक्ट्राइड की यहाँ पे हाइड्रोलिस गिव यू द मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स को आगे फर्दर आपने एनजाइम्स में से पास किया इट विल गिव यू दल्कोहल मॉलिक्यूल सो जिस तरह से मैंने डायसेक्राइड यूज किया आई कैन ऑल्सो यूज पॉलीसेक्राइड एज वेल पॉलीसेक्राइड जो कि टेस्टलेस होते हैं स्टार्च जिसमें से हम यहां पर मैंशन कर रहे हैं वन इज स्टार्च दिस इज पॉलीसेक्राइड पॉली मीन मैनी वन मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर और उनको एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा होता है सो इट विल गिव यू द स्टार्च मॉलिक्यूल एंड दिस इज द पॉलीमर ठीक है पॉलीसेक्राइड इसलिए कह रहा हूँ सी सिक्स एस टेन ओ फाइव एंड यू कैन सी एन मॉलिक्यूल तो दिस इज स्टार्च स्टार्च की हाइड्रोलिस H2O में से इसको पास किया है एंड यू विल गेट इन दिस वे माल्टोस दैट इज हैविंग द सेम molecular formula, c12 h22 o11 ट्वेंटी टू ओ इलेवन सो दिस इज कॉल्ड एज आप तो सोच रहे हो सर ये मोलासिस था ये माल्टोस आ गया बेटा दीज आर अगेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर जिनका मलेक्लर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है

जो कि ये से ही ऑप्टेन किया गया और यहां पे इस प्रोसेस में यूज किया गया है सो so, माल्टोज uh, की फर्दर हाइड्रोलिस यहां से आपको मिल गया बेटा डायसेक्राइड डायसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट मोनोसेक्राइड सो किस तरह से मोनोसेक्राइड बनेगा लेट सी दिस इज सी ट्वेल्व एज ट्वेंटी टू ओ इलेवन सेम रिएक्शन आ जाएगा बट नाउ वी आर नॉट यूजिंग मोलासिस तो मैं इनवर्टेज यूज नहीं कर सकता आई एम यूजिंग माल्टोज सो माल्टोज के लिए वी हैव टू यूज माल्टेज एंजाइम कौन सा एंजाइम यूज होएगा जी माल्टेज बेटा प्रोसेस सेम ही रहेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा दैट विल गिव यू सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स बट नाउ इन दिस केस विल गेट टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि जस्ट ग्लूकोज बनता है जो माल्टोस है माल्टोस की हाइड्रोलिस विल गिव यू ओनली ग्लूकोस इट मीन्स की यहां से एक और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि माल्टोस इज अ डायसेक्राइड ऑफ ग्लूकोस मोलासिस इज अ डायसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोस ठीक है इन दोनों के मिलने से आपके पास ये बना है मोलासिस बट ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से यू आर गेटिंग माल्टोस सो लास्ट प्रोसेस बेटा सेम इसी तरह से हो जाएगा सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स है दैट इज मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड सेम जायमेज की प्रेजेंस में ही इट विल कन्वर्ट इन टू सी टू एज फाइव OH plus CO2 तो बेटा तो ये प्रोसेस में जो ऑबटेन uh, हुआ दैट इज़ अल्कोहल अल्कोहल आपको जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलेगा वी कैन ओनली गेट अल्कोहल अराउंड 10, 12 और 14% परसेंट जो बेसिक रेंज होती है दैट इज़ 12 टू 14% परसेंट एल्कोहल यू कैन ओनली गेट दिस परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बाई यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस ट्वेल्व टू फोर्टीन परसेंट इंपॉर्टेंट है जी तो अगर मैं यहां पर मैंशन कर दू फटेड एल्कोहल में कितने परसेंटेज होती है एल्कोहल तो हमने बताना है जी फर्मेंटेड एल्कोहल विल कंटेन ट्वेल्व टू फोर्टीन परसेंट एल्कोहल दैट इज योर फर्स्ट थिंग ठीक है तो फिर हम कैसे इससे फर्दर प्योरीफाइड एल्कोहल को हासिल करते हैं जिसमें ज्यादा कॉन्टेंट होता है एल्कोहल का सो so, बेटा इन दिस में डिस्टलेशन प्रोसेस से वेपर्स uh, uh, उनके पहले बनेंगे विच आर हैविंग लो बॉयलिंग पॉइंट जिनका लो बॉयिंग पॉइंट एल्कोहल है और वॉटर है तो इसमें बाकी कॉन्टेंट है वाटर का सो एल्कोहल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट सो इट विल इवेपोरेट फर्स्ट सो इवेपोरेट जब पहले हो जाएगी तो विल कंडट दो मॉलिक्यूल्स तो डिस्टलेशन से आपकी परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इंक्रीज हो जाती है और जब परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इंक्रीज हुई यानी कि दैट बिकम्स डिस्टिल्ड एल्कोहल ठीक हो गया तो आपको मिल जाएगी डिस्टिल्ड एल्कोहल डिस्टिल्ड एल्कोहल की फर्दर डिस्लेशन करते हैं तो फर्दर डिस्टलेशन से बेटा फर्दर परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इंक्रीज होती रहेगी और वाटर की परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी एंड विल रीच एट द पॉइंट जब हमें मिल जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल की टाइप है जिसमें इट विल गेट अराउंड नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ द अल्कोहल जिसमें नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट की फर्दर डिस्टलेशन करोगे यू विल नॉट गेट मोर अल्कोहल देन दिस प्रोसेस

ओनली इट विल एलिमिनेट वाटर फ्रॉम दैट ठीक है आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर एल्कोहल uh, और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं अगर एड कर दूं तो वट विल हैपन तो बेटा रेक्टीफाइड स्पिरिट में वी हैव नाइनटी फाइव परसेंट एल्कोहल और फाइव परसेंट आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड इज एन अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट बट आई कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एच टूएसोफोर को यूज नहीं कर सकता बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एच टूएसो फोर इट विल शो डिफरेंट रिएक्शन अभी थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे बताऊँगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर वाट विल हैपन इन दैट केस ऑल दो हमें यह है कि रिमूवल ऑफ वाटर के लिए ही यूज़ किया जाता है लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन भी आपको फिर यूज़ करनी होगी टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई करना होगा सो आई विल डिस्कस दैट रिएक्शन इन डिटेल ऑवर हेयर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में ठीक है सो बिटो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करूँगा इट विल गिव यू दी एल्कोहल एब्सोल्यूट एल्कोहल इज हैविंग द मैक्सिमम कॉन्टेंट ऑफ द एल्कोहल कुछ जगह पे सजेस्ट किया जाता है दैट इज हंड्रेड परसेंट एल्कोहल और uh, कुछ जगह पर नाइंटी नाइन परसेंट एल्कोहल ऑप्टीन होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल से सो दैट इज हैविंग द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द अल्कोहल ठीक है एब्सोल्यूट अल्कोहल अब अल्कोहल को डीनेचर्ड भी किया जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट जो कि इंजेक्शन के बाद स्पिरिट से uh, हम रब करते हैं अक्सर तो uh, वो जो स्पिरिट यूज किया जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट बेटा वो किस तरह से बनाया जाता है डी नेचरिंग ऑफ एल्कोहल से ठीक है डी नेचरिंग ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि uh, जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है उसमें किसी और मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाए दैट इज एक्चुअली मैथनॉल बेटा मैथनॉल इज अ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में इफ यूड टेन परसेंट ऑफ दिन तो वो डी नेचर हो जाती है एंड इट बिकम्स मिथाइलेटेड स्पिरिट ठीक हो गया सो मिथाइलेटेड स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यह आप पहले से ही पढ़ चुके होते हो एफ एस सी के कॉन्टेंट में ये ये तमाम कॉन्सेप्ट ए लेवल्स में इनडायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस की फर्दर डिसलेशन करके परसेंटेज ऑफ अल्कोहल को इंक्रीज किया जा सकता है बट नॉट दे आर रिलेटेड वीस टर्म्स तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स प्लीज़ फोकस ऑन दीज पॉइंट्स के रैक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है एप्सोल्यूट एल्कोहल क्या होएगा एंड वाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट ठीक है सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज थिंग्स और ये जितने केमिकल रिएक्शंस थे आ, ये डिटेल में ए लेवल्स में डिस्कस नहीं होते फर्मेंटेशन प्रोसेस ओ लेवल्स में भी ए लेवल्स में भी डायरेक्टली इनडली यूज़ होते हैं कॉन्टेंट में आपके आई सी सी एस सी के जी सी एस सी के कॉन्टेंट uh, में इंक्लूड होता है सो so, uh, ये रिएक्शंस को देख लेना है जो कि नहीं होते ठीक है इनके जस्ट यू हैव टू रिम्बर दीज एनजाइम्स एन्जाइम्स के जो नेम्स हैं ठीक है इनको लाजमी याद रखिएगा ठीक है नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द रिएक्टिविटी ट्रेंड रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं अब रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो बेटा यू कैन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेयर डी हाइड्रेशन रिएक्शन हेयर एंड सब्सिट्यूशन रिएक्शन हेयर तो लेट्स फ्राम दिडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं एक सीक्वेंस मैंने आपको पहले भी बताया था एल्केन्स को जब हमने डिस्कस किया कि एल्केन्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू अल्कोहल अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोजेलिक एसिड्स इफ यू आर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन विल गिव यू ओनली एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते बिकॉज़ एल्डिहाइड का एल डी हाइड का ठीक है जैसे ही वो प्रोड्यूस होता है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्टिल कर लिया जाए अदरवाइज इट विल शो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो बेटा वो कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन द रिमूवल ऑफ आइड्रोजन लॉस ऑफ एलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ही एक टर्म रिलेट करवाता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता है ठीक है जिन रिएक्शन में बेटा दैट इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और uh, जब भी रिडॉक्स का टॉपिक आप पर हो रिडोक्स के क्वेश्चन को एम डी कैट के स्टूडेंट हैं चाहे आप ए लेवल्स के हो चाहे आप एफ एस सी के हो तो बेटा जैसे ही रिडॉक्स की बात की जाती है ना तो बेहतरीन प्रोसेस जो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए आइदर इज़ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेटा आपके पास होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इफ़ द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ेस सो इट मींस मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइजिंग इफ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग सो इट मीन्स मॉलिक्यूल और एटम और एनी स्पीशी दैट इज रिड्यूसिंग ठीक है सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की हम एडिशन कर रहे हैं और इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जो कि हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो के टू सी आर टू ओ सेवन इन द एसिडिक मीडियम पोटासियम डाइक्रोमेट ऑल दो देर इज अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मेनो फोर भी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेटा जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है सो इफ आई एम यूजिंग के टू सी आर टू ओ सेवन तो कलर विल कन्वर्ट फ्रॉम तो ये ऑरेंज से जैसे ही ग्रीन शेड देने लग जाएगा इट मीन ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग ठीक है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है सो कलर चेंज हो जाता है ठीक है क्रोमियम आयन की वजह से कलर में चेंजिंग आ रही होती है इसी तरह से बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक और यूज होता है दैट इज कैमेनो फोर फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Uh, जो कि पिंकी सोल्यूशन जिसको कहा जाता है पिंकी से वो कलरलेस हो जाता है पिंक कलर से ठीक है कलर चेंजिंग ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए जब केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो दीज आर द मैजिक्स सो केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ मैजिक शो अगर इस परस्पेक्टिव से आप केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड्स ठीक है तो कोई एक एग्जाम्पल हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे सो लेट से आई एम हैविंग सी एच थ्री सी दैट इज एज दैट इज एज दिस इज ओ एच एल्कोहल दिस इज कॉल्ड एथेनॉल एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही के टू सी आर टू ओ सेवन ही यूज किया है एसिडिक मीडियम में सो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही कहलाती है नॉट ओनली दिस थिंग इस चीज को अंडरस्टैंड करना है जस्ट ऑक्सीजन की एडिशन इज नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी मैंने पहले ये डिस्कस किया तो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो और दूसरी साइड से भी हाइड्रोजन अगर हमारा रिमूव होता है आउट ऑफ दिस शू ठीक है सो इन दिस वे हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस और आपके पास बाकी क्या मॉलिक्यूल बच रहा हैं दिस सी एच वुड रिमेन सेम दिस इज सी वी आर लेफ्ट विथ वन हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैन नॉट मेक सिंगल बॉन्ड सो आई हैव टू मेक डबल बॉन्ड हेयर एंड दैट इज एच तो बेटा ये तो बन गया एल डी हाइड सी एच ओ तो इस तरह से रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन शो करवानी है ठीक है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है नॉट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हियर ठीक है अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना चाहते हो यही फर्दर आगे ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो बेटा यू विल गेट सी एच थ्री

तो अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं सो इन दैट केस सी एच थ्री सी दैट इज सी एच थ्री दैट इज एच दैट इज ओ एच तो बेटा ये फर्दर ऑक्सीडाइज किस तरह से होएगा यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड इन दिस वे यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि क्या होएगा? सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कीटोन प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड। दिस थिंग। तो से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ एंड यू विल गेट सी एच थ्री ग्रुप जो कि कार्बन के साथ अटैच है एंड देर इज अनदर सी एच थ्री ग्रुप दैट इज ओ दिस बिकम्स कीटोन कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता

सो टर्शरी अल्कोहल्स जो होंगे टर्शरी ओल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती रिमेंबर दिस थिंग ठीक है सो होप सो ऑक्सीडेशन का ट्रेंड समझ आ गया होगा एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई के अगर कीटॉन्स की रिडक्शन की जाए तो क्या मिलेगा दैट विल गिव यू दिस मोलिक्यूल दैट आज सेकेंडरी अल्कोहल इफ यू आर हैविंग एल्डिहाइड एल्डिहाइड की रिडक्शन So, हाइड्रोजन तो OH एक तरफ से निकल जाएगा एंड द रिमूवल ऑफ वाटर विल है लुक अवर हेयर डीहाइड्रेशन किस तरह से होती है अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एल्किन्स की प्रिप्रेशन में भी आपके रिएक्शन पड़ चुके हो दैट इज ओइज ओइच विल रिमूव फ्राम दिस कार्बन एंड द सेकेंड कार्बन गिव यू दाइड्रोजन एंड इन दिस वे एलिमिनेशन ऑफ वाटर विल हैपन इसके लिए कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है यहाँ पे आपके पास होगा एच टू एस ऑफ फोर दैट इज सलफ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड यूज करना है एंड अलॉन्ग विध The specific temperature be one seventy to one eighty degrees Celsius. The beta elimination will take place in this in this way elimination place. And you will get CH2 CH2. This carbon has removed this OH and this carbon has removed one hydrogen. In this way you will get the double bond and it becomes alkene. एल्कीन के लिए कंडीशन को याद रखना है लेकिन अगर टेम्परेचर कम होएगा, तो एलिमिनेशन नहीं हो पाती वाटर विल नॉट एलिमिनेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो तब क्या होएगा? तो बेटा इन दैट केस व्हाट विल हैपन देखिएगा जी के सेम मॉलिक्यूल ही यूज कर रहा हूं दैट इज एथनॉल लेकिन अगर आपने ये कंडीशंस यूज नहीं की इफ़ आई एम यूजिंग द लेसर टेम्परेचर देन दैट दैट इज 140 डिग्री सेल्सियस और कंडीशन आपके पास सल्फ्यूरिक uh, एसिड ही यूज किया है दैट इज डीहाइड्रेटिंग एजेंट ही लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप किया गया हुआ है और यहां पे 180 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है ऑल्दो द रिएक्टिविटी यहां पे ज्यादा होएगी सो इट विल ब्रेक द बॉन्ड्स तो ब्रेक बॉन्ड हुए यहां पे C और O का बॉन्ड ब्रेक हो गया ओ OH एच यहां से रिमूव हुआ है और यहां से C और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ है इन दिस वे वी आर गेटिंग एल्कीन बट इन दिस केस बेटा एलिमिनेशन नहीं होती जस्ट यहां पे रीअरेंजमेंट हो रही है किस तरह से रीअरेंज होएगा मॉलिक्यूल इट विल गिव यू ईथर क्या बनेगा आपके पास ईथर का मॉलिक्यूल दैट इज सी टू एच फाइव

यहाँ पे आपके पास बनता ईथर का ही मॉलिक्यूल लेकिन सी टू एच फाइव ओ दोनों साइड्स पे आ जाएगा इन दैट पे ठीक है लेकिन यू हैव टू मेथॉक्सी मिथेन जो कि आपका कंसर्न्ड मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे जस्ट रीअरेंजमेंट हो रही है ठीक um, okay, है सब्सिट्यूशन दैट इज थर्ड टाइप ओके लेट मी आस्क वन क्वेश्चन उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा बेटा कुड बी द प्रोडक्ट

एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जस्ट सेवन जो मुकम्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रक्स होंगे एडिशन एलिमिनेशन हाइड्रोलिसिस पॉलिमराइजेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ओनली दी सेवन रिएक्शंस अगर इन सेवन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेते हो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाती है डजेंट मैटर बिलोंग फ्रॉम एफ एस सी यू बिलोंग फ्रॉम ए लेवल्स या ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हो डर फ्रॉम दिस थिंग बेटा ओवरऑल सेवन रिएक्शन के मैकेजम को समझ लें अगर समझ लेते हैं तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है सो सब्सिट्यूशन रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेटा दो तरह के अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे वन इज न्योक्लिफिनिकन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन Electrophilic substitution. And on this side we'll discuss nucleophilic. nucleophilic substitution reaction. ठीक है जी दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सिटन एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिटन एक अल्कोहल ले लेते हैं और उसी को रिएक्शन में अंडरस्टैंड करते हैं कि इफ आई एम टेकिंग सी एच थ्री ओ एच

सो इस पर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है एन एच थ्री इज एक्टिंग लाइक न्यूक्लियर फाइल सो एन एच थ्री में बेटा नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है सो लॉन पेयर की वजह से दैट इज एक्टिंग लाइक न्यूक्लियर फाइल ठीक है सो अलक्ट्री कोई एक ऐसी एग्जाम्पल जहां पर आपके पास सी एल नेगेटिव आ जाता है यू हैव सी एन नेगेटिव साइनाइड क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड तो बेटा ये तमाम न्यूक्लियर फाइल होेंगे इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और याद रखो न्यूक्लियरफाइल्स के लिए एसिड के जितने भी एनआईन होंगे वो न्यूक्लियर फाइल के तौर पे आप यूज कर सकते हो ना एच हाइड्रोजन रिमूव करवाओ यू विल यूट एच एसोर फाइल ठीक है एच आई में से हाइड्रोजन रिमूव किया यू आर गेटिंग आई नेगेटिव दैट इज न्यूक्लियर फाइल एच एफ ऑल दो दैट इज वीक एसिड एच एफ एफ नेगेटिव बेटा न्यूक्लियर फाइल ठीक है सो अल्काइल हेलॉड्स हेलोजीनो एल्किस के टॉपिक के अंदर विल डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल सो उस वीडियो को आप देख सकते हो कि अगर न्यूक्लियरफाइल और एलेक्ट्रोफाइल का बेसिक मैकेानिज़्म और लिविंग ग्रुप न्यूक्लियरफायल एसिड्स के साथ रिलेशन ग्रुप के अंदर ट्रेंड इनका सारा ऑब्जर्व करना चाहते हो तो एल्कायल हैलोजिनो अल्कैंस के नाम से वीडियो है यू कैन कंसल्ट दैट वीडियो तो बेटा विच वन इज एच इन दिस केस तो ओ एच ने सब्सटीट्यूट होना विद एनी ने वो तमाम रिएक्शन जिनमेंटिव कोई सब्सटेंस होगा नेगेटिव रिएजेंट होगा पॉजिटिव थिंग ठीक है सो इन दिस वे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक सो न्यूक्लियर फिलेक्स्यूशन में कौन सा ब्रेक होता है बॉन्ड दैट इज योर फर्स्ट एम सी क्यू न्यूक्लियर सब्सिट्यूशन ऑफ एल्कोहल में सी ओ बॉन्ड ब्रेक होते हैं इस चीज को रटा नहीं लगाना रॉट लर्निंग नहीं करनी ठीक है सो यू हैव टू फोकस ओवर द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो ओवरऑल सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो ओवर चीज नेगेटिव ना तो नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करना है तो दैट इज सब्सिट्यूशन ठीक है सो जितने भी सी एल वाले रिएक्शन है यू कैन यूज ओवर हियर सो वी हैव डिफरेंट रिएक्शन एच सी एल के साथ आपका रिएक्शन है यू आर हैविंग अ रिएक्शन विद पी सी एल थ्री यू आर हैविंग अ रिएक्शन विद पी सी एल फाइव यू आर हैविंग अ रिएक्शन विद एस ओ सी एल टू थायल कलोराइड के साथ इन ऑल रिएक्शंस ओ एच विल रिप्लेस विद सी एल और आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा सी एच थ्री सी एल तो ये ओ एच कहाँ पर एच सी एल के साथ है तो इट विल गिव यू एच टू ठीक है अगर पी सी एल थ्री के साथ है सो तीन सी एल रिप्लेस हो जाएंगे एंड यू विल गेट एच थ्री पी ओ थ्री ठीक है एच थ्री पी ओ थ्री दैट इज कॉल्ड एज फॉसफोरस एसिड एच थ्री पी ओ थ्री तो पी सी एल फाइव के साथ अगर रिएक्शन होगा यू विल गेट पी ओ सी एल थ्री और एच सी एल यस एच सी एल बन जाएगा एस ओ सी एल टू का अगर रिएक्शन होएगा तो बाय प्रोडक्ट्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा और एच सी एल आ जाएगा जब भी एच सी एल होगी यू हैव टू मैंशन द मिस्टी फ्यूम्स ठीक है मिस्टी फ्यूम्स साथ मैंशन कर देंगे एच सी एल के लिए ठीक है जब एच सी एल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होएगा ठीक है प्लस बाय प्रोडक्ट्स मैं जस्ट ये मैंशन कर रहा हूँ ठीक है वो स्पेसिफाई कर लीजिएगा इन तमाम के साथ ठीक हो गया रिएक्टिविटी ट्रेंड पे भी अभी आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अलेक्ट्रोफिलिकब्शन को अंडरस्टैंड करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ने होना है क्या है क्या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इट मींस दैट मस्ट बी द पॉजिटिव ठीक है तो पॉजिटिव स्पीशी होगी और इट कुड बी न्यूट्रल लेकिन न्यूट्रल वो वाली तमाम स्पीशीज दैट आर डेफिशेंट इन दी इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं फॉर एग्जांपल आपने डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया ए लेवल्स में भी कंटेंट है एफएससी में भी कंटेंट है आपने अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी ये तमाम चीजों को पढ़ा तो बेटा BF3 BCl3 AlCl3 ये तमाम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थी ठीक है वो तमाम ही इलेक्ट्रोफाइल्स हैं BF3

वो है हाइड्रोजन सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जो होएगी दैट विल रिप्लेस विद दिस हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ओएच OH के साथ नेगेटिव रिप्लेस होएगा सो इट मस्ट बी पॉजिटिव जो एड भी होना है सो so, बेटा यहां पे अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं एनए के साथ दैट इज सोडियम मेटल मेटल इज पॉजिटिव हाइड्रोजन इज पॉजिटिव वी कैन रिप्लेस देम ठीक है सो द रिएक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस सो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच थ्री ओ नेगेटिव था एन ए पॉजिटिव आ जाएगा ठीक हो गया सो इन दिस वे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी यहां से बेटा यही प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है ठीक है एल्कोहल का एन के साथ फिर आप अगर रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो रिमेंबर दैट रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा हमने बेनजीन को अभी जैसे ही मैं बेंजीन स्टार्ट करूँगा बंजीन में विल डिस्कस टोलोइन एंड फिनॉल ठीक है ए लेवल्स के कंटेंट में ही मैं वो वीडियो कवर करूँगा एल्कोहल्स के साथ फिनॉल नहीं बल्कि बेनजीन के मैकेजम में ही मुकम्मल फिनॉल को भी डिस्कस करूँगा सो जो फिनॉल होता है दैट इज ऑल्सो हैविंग ओ एच ग्रूप ओवर द बेजीन रिंग तो बेंजीन रिंग पे जो ओ होता है फिनोल दैट इज एसिडिक जाता है बट सी एच थ्री ओ एच NaOH दिस एन दिस इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ओ एच का रिएक्शन एन ए ओ एच के साथ नहीं होएगा गॉट इट सो अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आ रहा हूं दैट इज एस्टेरिफिकेशन लेकिन स्टेरिफिकेशन पे जाने से पहले हम ऑब्जर्व करेंगे रिएक्टिविटी ट्रेंड को ठीक है सो बेटा न्यूक्लियोफिलिक जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जितने भी इन दैट केस सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्कोहल होगा दैट अल्कोहल थ्री ओल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी कोहल्स सेकेंडरी कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी so electrophilic pe that is opposite, क्योंकि यहां पे जस्ट एच ने रिमूव होना है और जब एच रिमूव हो रहा होएगा, इन दैट केस जो प्राइमरी होएगा, इट वुड बी मोर रिएक्टिव ठीक है सो इन दिस केस प्राइमरी अल्कोहल, चलिए इसका ट्रेंड यहां पे मैं, मैं मेंशन कर में देता हूं ऑन दिस साइड

या ठीक है? सो लेक्ट्रोफिलिकिलेक्ट्रोफाइल में दिस इज द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ट्रेंड और प्राइमरी अल्कोहल्स में से जो प्राइमरी में भी मैथानोल होएगा, बेटा मैथानोल इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होएगा, सो इससे कम होएगा, सो ऑपोजिट ट्रेंड जो है अब आते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ दैट वॉज एस्टेरिफिकेशन दैट इज ऑल्सो नॉन एज रिएक्शन अलग से इसको इसलिए डिस्कस कर रहा बिकॉज़ वी हैव टू अगेन गो थ्रू विद दिस रिएक्शन इन कार्बोजेलिक एसिड एस्टर्स में भी दोबारा पढ़ना है तो यहां पे ही इसको अभी अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है सो लेट्स डू दिस एस्टेरिफिकेशन मीन्स एस्टर फॉर्मेशन एस्टर्स की फॉर्मेशन कब होएगी? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोजैलिक एसिड बेटा एस्टर्स के लिए जो नेम यूज करूंगा इफ यू हैव अल्कोहल, इट इज रिएक्टिंग विथ कार्बोजैलिक एसिड इट विल गिव यू एस्टर्स लेकिन उन एस्टर्स का नेम याद रखें अल्काइल एल्कानोइट एस्टर्स का नाम क्या होएगा अल्काइल अल्कानोएट प्लस वाटर वाटर इज द बाय प्रोडक्ट ये एस्टेरिफिकेशन भी है दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन ठीक है सो so, इसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है So, बेटा यही रिएक्शन बैकवर्ड में भी जब मूव करेगा तो इट मींस दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में एसिडिक मीडियम भी यूज करना होता है दैट इज एच पॉजिटिव ठीक है एसिडिक मीडियम एच ट्रेसोफोर को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे तो एल्कोहल कोई भी ले लें द नेम ऑफ एल्काइल विल कम्स फ्रॉम एल्कोहल अगर आपको कहा जाता है बेटा ब्यूटाइल ब्यूटानोएट ब्यूटाइल एथनोएट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग विच एल्कोहल एंड कार्बोजिक एसिड मोलिक्यूल्स तो अगर मैं कह रहा हूं ब्यूटाइल एनोट इट मींस ब्यूटाइल कम्स फ्रॉम ब्यूट एंड एथनोएट इज कमिंग फ्रॉम कार्बोजालिक एसिड दैट इज एथनोइक एसिड ठीक हो गया तो नेम को अंडरस्टेंड करने एल्काइल एल्कोनोट पर इसके लिए फोकस करो एंड इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है हाउ कैन यू प्रिपेयर हाउ एल्कोहल से तो इट मींस आई यूज मैथानोल प्रोपानोएट अगर कहा गया है दिस नेम विल ओरिजिनेट फ्रॉम द कार्बोजिक एसिड कार्बोजेलिक एसिड से कार्बोक्सलेट आइन्स बनते हैं ठीक है सो एल्कोहल में से एल्काइल्स को हमने नेम को जनरेट किया सो मीथाइल प्रोपानोएट के लिए मैथानोल और प्रोपानोइक एसिड यूज किया जाएगा ठीक है नेमिंग की अंडरस्टैंडिंग हुई और वाटर एलिमिनेट हो रहा दैट्स दैट इज कंडेंसेशन, एक रिएक्शन करके देखते हैं सो हाउ हाइड्रोजन विल रिमूव एंड वी नो दिस इज अलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ही सो इट मीन हाइड्रोजन विल रिमूव विल सब्सटीट्यूट फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलेगा ठीक है तो अगर मैं यहां पर यूज करता हूं सी टू एच फाइव ओ एच सो बेटा दिस ओ एज बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक ठीक हो गया सो यहां से तो एज आ गया फ्रॉम द काबोजालिक एसेड

एच सेवन सी ओ ओ ये जो सी ओ है यहां तक आ गया दिस इज कमिंग फ्रॉम कार्बोजैलिक एसिड दिस इज कमिंग फ्रॉम कार्बोजैलिक एसिड दिस वन ठीक हो गया एंड दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द एल्कोहल ओ सी टू एच फाइव तो बेटा दिस कंपाउंड नेम इज इथाइल ब्यूटानोइट तो इथाइल ब्यूटानोइट आपने प्रिपेयर किया है ठीक हो गया इथाइल ब्यूटानोइट हाउ इथाइल ब्यूटानोइट इज फॉर्मड एथेनॉल और ब्यूटानोइक एसिड के रिएक्शन से नाउ लेट मी आस्क वन क्वेश्चन आपने uh, उनके रिएक्टेंट्स uh, बताने हैं रिवर्स इंजीनियरिंग हम करेंगे यहाँ पे यू हैव टू प्रिपेयर प्रोपाइल एथनोइट हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपाइल एथनोइट विच रिएक्टेंट्स यू हैव टू यूज टू प्रिपेयर प्रोपाइल एथनोइट दैट इज़ योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स उस पर फीडबैक दूंगा और

सो फर्दर अगर क्वेश्चन हैं आपके माइंड में डू लेट एस नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन क्लेरिफाई ऑल दोज क्वेरीज इम्पॉर्टेंट है जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे इनके नोट्स खुद नहीं बनाएंगे रिटेंशन अपनी इंक्रीज नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे एम डी कैट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू सो प्लीज़ मस्ट डू प्रैक्टिस और इन वीडियोज से अगर फ़ायदा हो रहा है सो प्लीज मैंशन कीजिए कमेंट में थैंक यू वेरी मच